ऑल, दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिट टेक। दोस्तों आज भी लेके आ गए हमारी आज की टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट्स को लेके। और दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं हमारे आज के अपडेट्स को। दोस्तों सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है गूगल की तरफ से। दोस्तों गूगल जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं $1 बिलियन को एयरटेल के अंदर। अभी दोस्तों ये डिजिटल इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं एयरटेल के अंदर। वैसे आपको बता दूं गूगल जो है इंडिया में पहले भी इन्वेस्ट कर चुका है, जियो का भी पार्टनर है और वहां पर उन्होंने $4.5 बिलियन इन्वेस्ट किए थे कुछ लास्ट ईयर के अंदर। अब दोस्तों एयरटेल के अंदर भी इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ये आप समझ लीजिए पार्टनर्स होने वाले हैं। और दोस्तों बता दूं आपको एप्पल की तरफ से आज टीज कर दिया गया है उनका मेटावर्स प्लान। दोस्तों इसके अंदर जो है उन्होंने अपना प्लान मेटावर्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स या लेके आने वाली चीजें उनको एक्सप्लेन किया है। और आपको बता दूं आपको मैंने पहले कई बार बताया है कि वो अपने एयर हेडसेट्स को लेके आने वाले हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी के ऊपर। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि शायद इस साल आ जाए, लेकिन कुछ न्यूज अपडेट्स निकल के आए थे कि वो शायद डिले हो गए हैं किसी कारण से, तो वो अगले साल भी लॉन्च कर सकते हैं। साथ में आपको बता दूं एप्पल के सीईओ टिम कॉक उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि अभी जो है करंटली एप स्टोर के ऊपर ज्यादा एयर से रिलेटेड या मेटावर्स से रिलेटेड कोई उनके पास एप्स नहीं है, पर आने वाले कुछ टाइम के अंदर वो बहुत ज्यादा इनको इंक्रीज करने वाले हैं। दोस्तों काफी सही चीज है। और दोस्तों आप बता दूं फेसबुक मैसेंजर इसके अंदर जो आप सीक्रेट कन्वर्सेशन करते हो अपनी, उसके अंदर जो है कुछ अपडेट आया है। और आपको बता दूं अगर कोई पर्सन स्क्रीनशॉट लेता है तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है। साथ में इसका जिफ का, स्टिकर्स का, रिएक्शंस का, सभी का आपको एक ना एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों काफी अच्छी चीज है, जो भी लोग इससे मतलब अपडेट करेंगे उनको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। मैं तो सीक्रेट मोड में कोई यूज नहीं करता हूं क्योंकि मैं मैसेंजर का यूज नहीं करता हूं, पर आप लोग अगर करते हो तो आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों बता दूं व्हाट्सएप जो है टेस्ट कर रहा है ग्रुप चैट को वापस लेके आने का एक वे, यानी कि रीस्टोर करने का, और दोस्तों इनवाइट लिंक्स को भी लेके आने का, या फिर साथ में रीडिजाइन किया जाएगा मीडिया प्लेयर को जो भी मीडिया पिक करेंगे आपके लिए, या फिर एनिमेशन को भी चेंज किया जाएगा। तो दोस्तों व्हाट्सएप के ग्रुप्स के लिए काफी ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। आपको पता होगा मैंने बताया था कम्युनिटी का फीचर भी आने वाला है, ग्रुप एडमिन्स के हाथ में बहुत ज्यादा पावर होने वाली है। तो दोस्तों काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं थोड़े ही आने वाले अपडेट्स में। और दोस्तों आप बता दूं Vue की तरफ से उनके प्रीमियम 32 इंच के दोस्तों स्मार्ट टीवी आज लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में। इनके अंदर आपको 20 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं दो, और दोस्तों ये जो आते हैं ये लिनक्स ओएस के साथ में आते हैं, तो काफी सिक्योर है। और आपको बता दूं दोस्तों इनका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 12999 से। अभी दोस्तों आपको बता दूं अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो ये फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप इन्हें फ्लिपकार्ट से परचेज कर पाओगे। और दोस्तों कल मैंने बताया था iOS 15.3 का अपडेट आ रहा है और बीटा टेस्टर्स के पास iOS 15.4 पहुंच चुका है दोस्तों। और इसके अंदर जो है फेस आईडी अनलॉकिंग विद मास्क ये ऑप्शन आ चुका है, यानी कि अब आपको जो 15.4 का अपडेट मिलेगा उसके अंदर आपका जो मास्क लगा हुआ उसके साथ भी आपका आईफोन अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों ये काफी सही चीज है। आपको बता दूं एंड्रॉयड में MI 11 अल्ट्रा दोस्तों ये फोन है जिसके अंदर ऐसी चीज हो जाती है जो मैंने देखा भी है एग्जैक्टली और सुना भी है। आईफोन्स के अंदर नहीं थी ये ऑप्शन, लेकिन अब iOS 15.4 के अंदर ये आ जाएगी, तो काफी अच्छी बात है। वैसे आपको बता दूं iPad OS 15.4 के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं और Mac OS 12.3 के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। तो ये सारे के सारे बीटा टेस्टर्स के पास पहुंच चुके हैं। देखते हैं दोस्तों कि ये क्या नए नए फीचर्स लेके आते हैं अपने साथ में। और दोस्तों बता दूं सैमसंग की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के बारे में। दोस्तों जो सैमसंग की S22 सीरीज होने वाली है कहा जा रहा है कि जो इसका प्राइस होगा वो S21 के बराबर ही होगा, तो ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है। देखते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली क्या निकल के आता है। फीचर्स में तो दोस्तों काफी आगे होने वाली है, अगर उतना ही प्राइस रहता तो देखते हैं या फिर थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। और दोस्तों अगर आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन किया हो थोड़े दिनों में, एक दो दिन में, तो शायद आपने कोई ऑफर कोड वगैरह देखा हो, आपके सामने आया हो कोई ऑफर का नोटिफिकेशन या कुछ भी। तो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर जो है वो एक ऑफर टैब दे रहा है और इसके अंदर जो है आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप किसी मूवी को परचेज करते हो, किसी बुक को परचेज करते हो, किसी ऐप के अंदर इन ऐप परचेज करते हो। तो दोस्तों ये प्ले स्टोर दे रहा है, जो भी लोग इसे ट्राई करना चाहते हो इसे कर सकते हैं। ये अभी ये US, इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ इन तीन कंट्रीज में अवेलेबल है, बाकी किसी भी कंट्री में ऐसा कोई ऑफर नहीं चल रहा है। गूगल ने कहा है कि ये यहां पर स्टार्ट किया गया है, तो दोस्तों काफी अच्छी बात है, इंडिया इसमें इंक्लूडेड है और बाकी कंट्रीज में भी आ जाएगा जल्दी। तो हमारी कंट्री में है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं।
दोस्तों आईफोन 14 सीरीज के बारे में एक अपडेट निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये या तो ई सिम ओनली सीरीज होने वाली है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ई सिम सपोर्ट करेगा, या फिर एक ऑप्शन हो सकता है नैनो सिम का। दोस्तों देखते हैं एग्जैक्टली क्या निकल के आता है। वैसे ई सिम का सपोर्ट दोस्तों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स है, मैं कहूंगा, जो निकल के आ रहे हैं। और ई सिम का सपोर्ट अगर होता है तो काफी अच्छी चीज है। बाकी दोस्तों नैनो सिम का स्लॉट तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा, अगर आना वाला है तो देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों बता दूं, पबजी न्यू स्टेट इसका नाम चेंज कर दिया गया है क्राफ्टन की तरफ से। दोस्तों इसका नाम जो है अब हो चुका है न्यू स्टेट मोबाइल। अभी अगर आप अपनी फोन में जाके चेक करोगे तो उसका नाम नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे या एप स्टोर पे इसका नाम अभी अपडेट नहीं किया गया है। पर इसके जो पेजेस वगैरह बने हुए हैं क्राफ्टन की तरफ से ऑफिशियली, उनके ऊपर नाम चेंज हो चुका है। और उन्होंने कहा है कि जल्दी आने वाले कुछ अपडेट्स के अंदर इसका नाम आपके फोन में भी चेंज हो जाएगा। तो अभी जो इसके अंदर नाम चेंज हो गए हैं, साथ में आपको बता दूं जो लूनर न्यू ईयर चल रहा है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे आपको रिवॉर्ड्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो इन रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि 2nd of February के बाद में ये रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आप गेम में लॉग इन कीजिए और अपना सारे रिवॉर्ड्स वगैरह कलेक्ट कर लीजिए ताकि मिस ना हो जाए। और दोस्तों टेक्नो यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर लेके आ गया हूं, टेक्नो मेमोरी फ्यूजन। दोस्तों ये OTA अपडेट आने वाला है कुछ टेक्नो के सिलेक्टेड स्मार्टफोन्स के लिए, और इससे आपके जो वर्चुअल रैम का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। वैसे नॉर्मली नहीं आता है पर इससे आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको बता दूं इसके अंदर 2-3 फोन हैं जिनको ये अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर टेक्नो का कैमोन 18 और पोवा नियो स्पार्क 8T या फिर स्पार्क 8 प्रो। तो अभी इन डिवाइसेस के अंदर ये अपडेट आएगा। तो अगर आपके पास ये डिवाइस है तो कांग्रेचुलेशंस, आपको वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलने वाला है जल्दी। और दोस्तों बता दूं पोको की तरफ से पोको F4 GT, दोस्तों ये इस साल लॉन्च हो सकता है पोको F3 GT का अगला सक्सेसर। अब दोस्तों ये जो फोन होगा ये काफी जबरदस्त होने वाला है। कहा जा रहा है रेडमी की K50 सीरीज जो चाइना में लॉन्च हुई है ये उसका रीब्रांडेड वर्जन होगा जो कि वर्ल्ड वाइडली आएगा। दोस्तों ऐसे ही करते हैं ये लोग। इसके अंदर कहा जा रहा है कि साइड ट्रिगर्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 8 Gen 1 के ऊपर ये फोन होने वाला है, 4700 mAh की बैटरी होने वाली है, 120W का फास्ट चार्जर होगा और साथ में 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। दोस्तों काफी जबरदस्त लग रहा है दिखने में फोन। अब देखते हैं एक्जैक्टली और क्या निकल के क्या आता है। वैसे कैमरा सेटअप के बारे में बताऊं तो 48 MP और 64 MP, ये दो में कंफ्यूजन हो रही है, 13 MP और 12 MP का, दो आप कह सकते हो प्राइमरी के अलावा जो कैमराज आएंगे अल्ट्रा वाइड या फिर मैक्रो या जो भी होगा, तो ये वाले आ सकते हैं। अब दोस्तों काफी डिटेल निकल के आई है, देखते हैं एग्जैक्टली कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं। और दोस्तों अगला अपडेट बता दो निकल के आ रहा है ग्लोबल मार्केट की तरफ से। दोस्तों ग्लोबल मार्केट में पूरे वर्ल्ड वाइड ही सैमसंग लीड कर गया इस बार, और सैमसंग जो है नंबर 1 पे रहा। दोस्तों बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने के कारण, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की शॉर्टेज के कारण जो स्मार्टफोन कंपनीज है उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। इवन एप्पल 2nd या 3rd नंबर पे रहा है, शाओमी भी नीचे लुढ़क गया, पर सैमसंग जो है उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई रखी और वो फर्स्ट पे रहे। दोस्तों काफी अच्छी बात है। वैसे इंडिया में जो है एप्पल 1 पे रहा लेकिन ग्लोबली सैमसंग 1 पे। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं रेडमी जो है अपनी 9 February को रेडमी नोट 11S सीरीज के साथ में बैंड के साथ में एक स्मार्ट टीवी भी लेके आने वाला है X43, यानी कि ये 43 इंच का 4K डिस्प्ले वाला टीवी होने वाला है। दोस्तों देखते हैं एग्जैक्टली कितना प्राइस निकल के आता है। वैसे काफी जबरदस्त होने वाला है, कहा जा रहा है इसके डॉल्बी विजन के आपको सपोर्ट मिल जाएगा और 30W के स्पीकर होने वाले हैं 2। तो दोस्तों देखते हैं एग्जैक्टली और क्या कुछ निकल के आता है। और दोस्तों बता दूं फास्ट ट्रैक की तरफ से उनकी आज रिफ्लेक्स बॉक्स, दोस्तों ये स्मार्ट वॉच है उनकी, आज लॉन्च हो चुकी है इंडिया में। इसका प्राइस वैसे आपको बता दूं निकल के आया है 6,995 रुपीज का, लेकिन इंट्रोडक्टरी प्राइस आपको मिलेगा 4,995 रुपीज। अब दोस्तों 5 रुपीज क्यों रखा मुझे समझ में नहीं आया, पर उन्होंने 95 ही रखा लास्ट में। और आपको बता दूं इसके अंदर 1.69 इंच की HD डिस्प्ले है। दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर डिस्प्ले थोड़ी बड़ी लगी है, क्योंकि नॉर्मली आपको 1.3, 1.2 या 1.4 देखने को मिलती है, यहां पे 1.69 है पर ये HD है। अब यहां पर आपको बता दूं इसके अंदर आपको ये Amazon या फिर फास्ट ट्रैक के अपनी साइट के ऊपर ही मिल पाएगी। इसके अंदर आपको 10 डेज का बैटरी बैकअप मिल जाता है जो क्लेम किया गया है कंपनी की तरफ से। अभी आपको यहां पर बता दूं इसके अंदर 100 वॉच फेस आते हैं साथ में, और साथ में SpO2 का सपोर्ट आता है, यानी कि ब्लड ऑक्सीजन वगैरह जो सैचुरेशन को मॉनिटर करने का, हार्ट रेट मॉनिटर करने का। साथ में आपको बता दूं इसमें स्लीप ट्रैकिंग का भी ऑप्शन आ जाता है, और साथ में इसके अंदर एक्टिविटी ट्रैकर का भी ऑप्शन आ जाता है। तो ऑप्शंस भी काफी सारे हैं दोस्तों, जो भी लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं, ये कल जाने वाली है सेल पे तो आप लोग ट्राई कर पाएंगे। अब दोस्तों बारी होती है ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों साइब्रॉक की तरफ से। दोस्तों ये इन्होंने आज साइब्रॉक GT
120 इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है इंडिया में। दोस्तों ये स्पोर्ट्स बाइक है, इसके अंदर आपको बता दूं इसकी जो टॉप स्पीड है 125 किलोमीटर पर आवर की जाती है और इसकी जो रेंज है वो 180 किलोमीटर की है। तो दोस्तों रेंज काफी अच्छी है एक स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से, एक इलेक्ट्रिक बाइक के हिसाब से, तो रेंज बहुत अच्छी है। अभी दोस्तों बता दूं ये अनाउंस हो चुकी है आज। इसके अंदर एक डिस्प्ले लगी हुई है ऊपर एलईडी, जो कि IP65 की रेटिंग के साथ में आती है, यानी कि वाटर रेजिस्टेंस वगैरह आपको पूरी अच्छे से मिल जाएगी, तो आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी दोस्तों आपको बता दूं इसके अंदर दो ही कलर अवेलेबल हो जाएंगे, ब्लैक और पर्पल। कहा जा रहा है इसकी डिलीवरी जो है नेक्स्ट मंथ शुरू हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। बता दूं दोस्तों ये जो बाइक है 0 to 40 सिर्फ और सिर्फ 2.5 सेकंड में पकड़ लेती है स्पीड, तो मैं कहूंगा काफी अच्छी बाइक है। अब दोस्तों दिखने में तो काफी हैवी लग रही है, आप लोग देख सकते हो। बता दूं आपको इसके अंदर 4.68 किलो वॉट आवर के हिसाब से लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, जो कि दोस्तों इसकी पावर प्रोड्यूस होती है 6 किलो वॉट की। अब दोस्तों ये मोटर है तो मैं आपको बता दूं 6 किलो वॉट की पावर प्रोड्यूस करती है। दोस्तों काफी अच्छी बाइक लगी मुझे दिखने में, तो जो भी लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं, इसे बुक करना चाहते हैं, वो इनकी साइट पे जाके एक बार चेक कर लीजिए पूरी डिटेल को। ये अवेलेबल होने वाली है, कहा जा रहा है इसकी डिलीवरी जो है वो नेक्स्ट मंथ से शुरू होंगी, तो कुछ ना कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। और दोस्तों टीवीएस की तरफ से आज एक्वायर कर लिया गया है 75% स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप को, यानी कि उनका जो पूरा का पूरा होल्ड है वो टीवीएस के अंडर आ चुका है। तो दोस्तों अब देखते हैं ये मिलके कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक्स या फिर कौन से नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को निकालते हैं, देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब बात करते हैं फोर व्हीलर्स की, और फोर व्हीलर में सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है महिंद्रा की तरफ से। दोस्तों महिंद्रा की XUV700O दोस्तों इसका जो वेटिंग पीरियड है वो बढ़ चुका है, अभी ये 84 वीक्स का हो गया है। दोस्तों एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 84 वीक का मतलब है डेढ़ साल से भी ज्यादा कह सकते हैं उसे, काफी ज्यादा लंबा पीरियड हो चुका है वेटिंग का। और दोस्तों इसकी जो बुकिंग है वो 1 लाख से क्रॉस कर गई है। दोस्तों यही दिक्कत हो रही है सेमीकंडक्टर या मैन्युफैक्चरिंग, जो भी चिप मैन्युफैक्चरिंग है, ना होने की वजह से दिक्कत आ चुकी है और इसका जो वेटिंग पीरियड है 84 वीक्स तक जा चुका है। और दोस्तों लास्ट अपडेट बता दूं आपको निकल के आ रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, एयर कार के बारे में, यानी कि फ्लाइंग कार के बारे में। दोस्तों लोग जनरली पूछते हैं कब आ रही है, कैसे आ रही है, तो दोस्तों एक कैलिन विजन एयर कार है जिसको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। और आपको बता दूं ये जो कार है काफी जबरदस्त है, 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है। इसके अंदर BMW का इंजन यूज किया गया है दोस्तों, जो कि 300 HP की पावर प्रोड्यूस करता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर की है। अभी आपको बता दूं ये 8000 फीट तक उड़ सकती है, यानी कि इसकी जो हाइट है ऊपर तक एल्टीट्यूड में। अभी दोस्तों इसकी जो एस्टिमेटेड स्पीड हम कह सकते हैं 297 किलोमीटर ऑन रोड है, और इसको एक कार से एक फ्लाइंग कार में कन्वर्ट होने के लिए, इसके विंग्स वगैरह ओपन होने के लिए टोटल 2 मिनट एंड 15 सेकंड लगते हैं। तो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी चीज है, काफी ज्यादा इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। दोस्तों ये अभी से नहीं उड़ रही है, ये काफी टाइम से उड़ रही है, मतलब काफी टाइम से उड़ाया जा रहा है इसको, काफी टेस्टिंग वगैरह हुई है, और टेस्टिंग के दौरान ही इसको 70 आवर्स तक फ्लाइंग टेस्ट किया जा चुका है। तो 70 घंटे तक दोस्तों ये उड़ चुकी है अभी तक, पिछले 1-2 साल में दोस्तों काफी टेस्ट हुए हैं इसके ऊपर। दोस्तों देखते हैं कब तक ये निकल के आती है। वैसे इसके अंदर जो इंजन है BMW का वो 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन है, दोस्तों देखते हैं। और अभी कुछ सर्टिफिकेशन मिल रही है, कुछ अथॉरिटीज इन्हें मिल रही हैं, तो काफी अच्छी बात है, यानी कि ये जल्दी ही आ सकती है। अभी दोस्तों ये आइडिया नहीं है कि हर एक गवर्नमेंट अलाउ कर देगी या नहीं कर देगी, पर कुछ ना कुछ काम दोस्तों इसके ऊपर बढ़ चुका है, काफी अच्छी बात है। दोस्तों आज की टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट्स होते हैं बैंड, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।